विकास के लिए लड़ रहा हूँ। विकास किया था, विकास ही करूंगा। हमको तो सिर्फ और सिर्फ साइकिल दिख रही है, लेकिन हम चाहते हैं ये वो शख्स है, ये कहता है जब बात आती है। नौजवान को नजर करके ये अपील करता हूँ, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कि सितमगढ़ मेरी बात रख ले, दिले बेताब के जज्बात रख ले, पुकारा है तुझे अपना समझकर, बस इतनी आरजू की बात रख ले। और घर में माओ बहनों को, हमारी बहनों को, हमारी माओ को बताना नहीं पड़ेगा, पिछले लंबे अरसे से अल्लाह का करम है कि हमारी एक एक माँ, एक एक बहन, एक एक बुजुर्ग जब जाता है बाहर, कोई कितना भी पढ़ा है, लेकिन जब वो अंदर जाता है उसको सिर्फ एक ही निशान नजर आता है। पूछो बाहर दादा वोट डाला है, बोल तो कहेंगे बड़े मियाँ डाला है। निशान कितने थे बैलेट पेपर में, तो बड़े मियाँ कहेंगे हमको पता ही नहीं, हमको तो सिर्फ और सिर्फ साइकिल दिख रही है। साइकिल पड़ेगा, अभी कितना भी शोर कर ले, वो 4 तारीख को लहर सिर्फ और सिर्फ साइकिल की होगी, और मुकाबले पर भारतीय जनता पार्टी होगी। आपकी दुआओं की बदौलत विमलेश शर्मा और ये सलीम भाई के जैसे हिंदू मुस्लिम ऐसी ऐसी जोड़ियां मिलकर भारतीय जनता पार्टी को ऐसी धूल चटाएंगे कि ये दुनिया में तो भले इलेक्शन लड़ ले, आइंदा भारतीय जनता पार्टी को खीरी कस्बे में उम्मीदवार तलाशना पड़ेगा और ढूंढने से नहीं मिलेगा। वो हार करके अहद ले लीजिए, संकल्प ले लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब आप अपने वोट से दीजिए। साइकिल पर मोहर लगाइए 4 तारीख को, और भारी बहुमत के साथ फहीम अहमद की सौजा, इनकी बीवी, इनकी धर्म पत्नी उजमा बी को कामयाब बनाइए। इनकी जीत हर, और जब ये जीत जाएंगे तो आपको तलाश लेकर ना पड़ेगा कि चेयरमैन साहब, तो पता चले कि चेयरमैन साहब लखीमपुर गए। आपको इन ये नहीं मिलेंगे तो इनका कोई भाई आपको किले के चौराहे पर मिल जाएगा, रात को 1 बजे भी मिल जाएगा। अगर ये नहीं मिलेंगे तो आपको दूसरा भाई, अगर मुफीद तो बस अड्डे पर मिल जाएगा, वो उनके वहां मिल जाएगा। तीसरा भाई कोई हनिया टोला, बुखारी टोला में भी रात में, जब तक देर रात तक आपको मिल जाएगा। अतेक बाबा तो आपको पूरी रात मिल जाएंगे, उसमें छोकर नींद पूरी कर लेते हैं। तो सवाल ये कि वो सब आपको ये नहीं मिलेंगे, इनका भाई, इनका भांजा, सब लोग मिलते रहेंगे। और हर आदमी खुद को फहीम समझ लो यार, इतने लोग बैठे हम तो ये चेहरा देख रहे हैं, हमको अभी तक जीत, हम अभी तक इसमें, हम शकील यूसुफ से आखिरी बात कह रहा हूँ, इसमें जितने चेहरे देख रहे हैं अलहमदुल्ला नजर भी ठीक है, हमको चेयरमैन साहब इसमें कोई आदमी ना महबागंज का दिख रहा है, ना लखीमपुर का दिख रहा है। लोग कहते बाहर के आए हैं, पल्लेदार आए हैं, इस बात को ये भी मानते हैं कि फहीम अहमद से मोहब्बत करने वालों में लखीमपुर के लोग भी शामिल हैं, इनसे मोहब्बत करने वालों में महबागंज के लोग भी शामिल हैं, इनसे पूरे जिले के लोग मोहब्बत कर रहे हैं। अच्छा, दूसरे उम्मीदवारों को मोहब्बत करने वाले खीरी में तलाश किए नहीं मिल रहे हैं। ये जज्बातों से खेला जा रहा है शकील साहब, जज्बात में मत आना। कोई कहता बाहरी है, ये रहमत अली, ये मुबीन खान, ये जितने बैठे हुए लोग हैं इसमें तो सब इसी मादरे वतन पर सांस लेने वाले लोग हैं। ये सब मेरा हर एक शय तेरे जज्बात से अच्छा होगा, मेरा हर एक दिन तेरी उस रात से अच्छा होगा, और देख लेना सुबह के उजाले में उठकर मेरा जनाजा तेरी बारात से अच्छा होगा। हम जब 50 वोट से हारे थे तब भी इन जीते वालों से ज्यादा भीड़ हमदर्दी में इनके दरवाजे पर थी। आज बड़े बड़े लोग चादरें चढ़ा रहे हैं, अरे हमने तो इस व्हाट्सएप पर ऐसे ऐसे लोगों को चादरें चढ़ाते देखा जो कल तक मना करते थे चादर मत चढ़ाना। हमने कहा वाह मेरे सैयद बने तीर, अल्लाह के भले की ये करामत कि मानने और ना मानने वाले का भी माथा टिकवा रहे हैं। बोले सलमान रिजवी वो जो पूरी खीरी के वलियों का शहनशाह लेता है मखदूम वजीउद्दीन, वहां भी लाइन लगी, रोज एक चादर, दूसरी चादर, तीसरी चादर। हमने कहा कि वली ऐसा नहीं होता है, हम लोग शरीयत की खिलाफ वर्जी कर देते हैं, अल्लाह माफ करे, ठीक, लेकिन जो अल्लाह का महबूब बंदा होता उसका एक एक कदम शरीयत पर होता, इस्लाम के कानून का पालन करता। सारे उम्मीदवार मखदूम वजीउद्दीन क्या चादर चढ़ा ले, लेकिन मखदूम वजीउद्दीन नाम का वो वली, वो शहनशाह हिंदुस्तान, ये जानता है कि हक पड़ोसी का ज्यादा होता है। और उनके मुकद्दस आस्थाने के बीच में 10-12 फीट का रास्ते है सिर्फ,
पड़ोसी का मामला है तो सब के सब जो है दिल चाहे सबको करने दीजिए। आप 4 तारीख को साइकिल याद रखना जैसे पहले याद रखते थे वैसे ही, क्योंकि हम न जाने कितने जिलों में हमको समाजवादी पार्टी भेज रहे, यही काम कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर यहाँ से हमको मायूसी लग गई तो हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। इसलिए दोस्तों बस घोड़े को बहुत समझना और 4 तारीख को इतना ज्यादा नवाज देना कि मोहल्ला बुखारी टोला पर पूरी तरह से फख्र जो है उस फख्र की मजबूती और बढ़ जाए। खुदा हाफिज, मादरे वतन जिंदाबाद, समाज जिंदाबाद। शुक्रिया भाई, हमें बोलने का तो बहुत ज्यादा आपने समय दे दिया। हम बोलने तो क्या बोल रहे, आए हुए सभी मेले से बकरी बस्ती से सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आज समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी उज्मा बी के इस लोकसभा में आए हुए सभी लोग, टाइम बहुत कम है, अपका है, हम बस आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ जो मैंने कार्य किए आपके सामने हैं और जो मेरा इरादा है सिर्फ मैं विकास के लिए लड़ रहा हूँ। विकास किया था, विकास ही करूंगा और सबका सम्मान पहले भी मैं कर रहा था और फिर इंशाल्लाह ता उम्र तक और ता जिंदगी तक मैं सबका सम्मान इसलिए करता रहूंगा कि तमाम एहसान मेरी जिंदगी पे इस कस्बे वालों का है। उस वक्त तो शकील भाई ने कहा कि जो दुआएं आपने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए थे, जो हमारी जिंदगी के लिए दुआएं मांगी, वो ताउम्र मैं उन बातों को नहीं भूल सकता हूँ। मैं किसी का इसलिए नहीं अपमान कर सकता हूँ कि पता नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी अमीर की दुआ सुनी या किसी गरीब की दुआ सुनी, मुझे ये नहीं पता है। तो मैं इसलिए जाने अनजाने में मैं वो काम नहीं करना चाहता हूँ, पता नहीं उसी की दुआ लग गई हो, मेरी जिंदगी बच गई हो और उससे मैं कोई ऐसी बात कह दूं कि जिसको उससे उसको दिल को ठेस पहुंच जाए। तो इसलिए आपका तमाम एहसान और तमाम प्यार में मिलता रहा, हम आप लोगों से बस यही गुजारिश करना चाहते हैं, शुक्रिया कि हमारी जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी उज्मा भी है, वो पिछली बार भी चुनाव आपके बीच में आई थी मैदान में समाजवादी पार्टी से, आपने बहुत प्यार सम्मान दिया था इस कस्बे से और इस मेले से भी हमें बहुत सम्मान मिला था। जबरन हमें वहां 50 वोटों से हम 362 आगे चल रहे थे, जबरन हम लोगों को हरा दिया गया, वहां पे बहुत ही झगड़ा फसादात किए गए, सब कुछ हुआ, तो जिससे हम लोग सीट गवा के चले आए। आपसे यही गुजारिश है कि वो लोग फिर आ रहे हैं जो कहते थे कि हम जीत रहे हैं, और कितने पाए थे 85, और कितने पाए थे 400, और कितने पाए थे 568। कोई वादा करता है कि हम 15,000 पार, कोई वादा करता है कि हम 10,000 पार, हमारा वादा बस यही है और हम आपके भरोसे में अपना वादा बताना चाहते हैं कि हम सब पर भारी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी ये जनता कस्बे की इस बार इतने भारी मतों से जिताएगी इंशाल्लाह कि आने वाले समय पे जिस दिन 13 तारीख को काउंटिंग होगी आपका प्यार और सम्मान उज्मा बी को मिलेगा तो यहाँ पे विकास की गंगा बहेगी। जो बात फिर से की हुई है, अभी हमारे विमलेश शर्मा जी ने बताया हमारे मेले की कमेटी यहाँ के लोगों की सभी लोगों की बैठ के राय होगी, हम टेन सेट की बात तो करेंगे ही, हम इसको पक्का बनाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे इतनी बड़ी स्लेब डाल दी जाए कि आए हुए जायरीन यहाँ पे एक साथ में 200-400 लोग एक साथ में बैठ सके, इतना बड़ा एक हाल हम बनवाना चाहते हैं जैसे कभी टाइम आने के ऊपर शादी बारात मेले में किसी की बेटी का निकाह है और खुदा ना खास्ता बारिश का टाइम आ जाए, बारिश होने लगे तो उसमें उस लड़की का निकाह हो सके, जहाँ पे आए हुए बराती वहां पे रुक सके, ये हम काम करना चाहते हैं मेले के अंदर। हमारे मेले के अंदर अभी कल की बात है, अभी पिछले बाजार की बात है, वो तो जो पिछली बार आप लोगों ने किया आपके प्यार ने किया तो उसको बचा लिया था, अभी जमीन के ऊपर इन दुकानदार भाइयों के लिए सब टैक्स लगाया जा रहा था कि एक एक दुकान के ऊपर 2-2-3 हजार रुपए का किराया बांधा जा रहा था। ये देखिए पप्पू भाई बैठे हैं, सब सामने खड़े हुए हैं, सभी लोग जानते हैं, तब भी हम सामने निकल के आए कि ऐसा नहीं हो सकता है कि ये समाज की जमीन है, जनता की जमीन है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग सकता है। अभी विश्व के मेले में कितना हंगामा हुआ सभी लोग जानते हैं, हमारे दुकानदार भाइयों के
टीन सेट और जो छप्पर पड़े हैं या वो लगे हुए सबको हटाया जा रहा था, फिर भी हमको यहाँ के दुकानदारों ने याद किया, हम पहुंचे उसको रुकवाने का काम किया। हम काम करेंगे, सिर्फ काम के लिए ही लड़ रहे हैं। और बाकी है आप लोगों से गुजारिश है, 4 तारीख को भारी संख्या में वोट डाल के, टाइम ज्यादा हो गया है, भारी संख्या में वोट डाल के उम्मीदवारों को जिता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। आए हुए लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। गया तो इंसान नहीं हो सकता, लेकिन हम जानते हैं ये वो शख्स है, ये कहता है जब बात आती है, कहता है कि हम खीर के कर्ज से कभी अदा नहीं हो सकते, चाहे 20 बार मुझको जेल में नहीं हरा दे, लेकिन फिर भी मैं खीर वालों से मोहब्बत करता रहूंगा, क्योंकि अगर मेरी जान बची है तो आप लोगों की वजह से। आप बताओ मास्टर रफीक को रेसी के रेसीदात्री के लोगों को काम दिया, अब इसके इनसे जरा पूछ लेना, जब ये मंच के ऊपर आए तो पूछ लेना, बहुत याद बोलना था लेकिन क्या बताओ, चलिए कल फिर होगी मुलाकात, कल फिर बोलेंगे। और एक बात वही कि जो कुछ आज कह रहा हूं कल इससे ज्यादा बताऊंगा और सारी बातें। अभी एक साहब है जो स्कूल लेके घूम रहे हैं, उनके बारे में बताऊंगा। कभी जिंदगी में आप लोग बताइए कितनी मिट्टी में उनको देखा है, कितने फातिये में उनको देखा है, कितनी शादियों में उनको देखा है, और ये भी बता दीजिए कितने लोगों को हाथ उठा के सलाम करते हैं, नहीं करते, कभी नहीं करते हैं। आज राज बिरादरी से कहते हैं कि बिरादरी तुम तो यार मेरे बिरादर हाथ को साथ दे दो, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उस वक्त जब राय बिरादरी की दुकानें बाजार में लूटी जा रही थी, बाजार को विरोध गुप्ता कब्जा कर रहा था, तब तुम कहा थे, तब की तुमको अपनी बिरादरी नहीं नजर आई, तब की भाई अहमद को नहीं नजर आई। बात उनकी भी करेंगे, बात उनकी भी करेंगे, लेकिन बात करने का समय कम रह गया, लेकिन कल जो है बहुत बातें करेंगे, बहुत दिल में बहुत भरास है। और बात वही बता के जा रहा हूँ, सच सच, एक भी झूठ बोल के नहीं जा रहा हूँ, कल से बोलूंगा, अगर उनका कोई भी हमदर्द हो उनसे बता दे जा करके, ये सकीर उसमें बोलेगा उसका खंडन अगर करना चाहे तो माइक उनके लिए उपलब्ध है, आकर के वो माइक पर भी बात कह सकते हैं। माइक पर फहीम अहमद जो आपके दिल पर पीएम का बटन दबाए, और जिसने वोट नहीं डाला ज्ञान बांटने फिर न आए। 5 साल की बात है ये मौके रोज न आते हैं, वोट डाले सब जाना क्या घर वाले क्या मापे हैं, अब तो अपना राज है, डरने की क्या बात है, आज नई शुरुआत है, आज नई शुरुआत है। अरे अभी तो वोटिंग शुरू हुई है, वोट दबाए, और जिसने वोट नहीं डाला ज्ञान बांटने फिर न आए। 5 साल की बात है ये मौके रोज न आते हैं, वोट डाले सब जाना।